ये राइटिंग ए लेटर। और ये आ गया छठा दे, दे आर राइटिंग ए लेटर। ओके, सभी वाक्यों को देखो आप, सभी वाक्यों को जो छह सेंटेंस हैं उनको पढ़ने के बाद में आपने ये देखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वो होता है, पहली बात, हिंदी में चिन्ह वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रही हूं, रहे हैं, आए। दूसरी बात क्या होता है इसमें कि एक वचन कर्ता के साथ इज का प्रयोग होता है, बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग होता है, और अगर सब्जेक्ट के स्थान पर आई है तो आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है, तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आई एन जी जोड़ा जाता है। तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आई एन जी जोड़ा जाता है। आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जिन क्रियाओं के अंत में ई हो, जिन क्रियाओं के अंत में ई हो उनमें आई एन जी जोड़ते समय ई को हटा दिया जाता है। देखना, यह है मैक, और आपने जोड़ा इसमें आई एन जी, आपका जो आपकी क्रिया की फॉर्म बनेगी मेकिंग। क्या देखा आपने? आपने ये देखा कि इसके अंत में जो ई लगा हुआ था वह हट गया है। यानी जिन क्रियाओं के अंत में ई होता है उनमें आई एन जी जोड़ते समय ई को हटा दिया जाता है। दोबारा देखो, आर यू एन प्लस आई एन जी, रन में जब आप आई एन जी जोड़ते हैं तो यह क्या हो जाएगा, आर यू डबल एन आई एन जी। क्या मतलब हुआ? नियम यह हुआ कि जिन क्रियाओं के अंत में कोई कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट,